हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम होली का श्रृंगार देख लेते हैं। मैंने आज ही उन्हें तैयार कर दिया है और आज ये देखिए फूलों से पूरे मंदिर को मैंने सजाया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने लड्डू के दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मल्टी कलर की उन्होंने पग लगाई हुई है और वाइट और ब्लू कलर की जो है उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। और सेम ऐसे ही हमारे वासु की हैं और उन्हें मैंने पग बांधी हुई है। और ब्लू कलर के देखिए एक चोकर और एक ये लॉन्ग सेट मैंने उन्हें पहनाया है। तो मैं आज आपको प्रॉपर जो है श्रृंगार दर्शन ही करा रही हूँ। और उन्हें नजरिया पहनाई हुई है, कंगन मैंने नहीं पहनाए हुए हैं। पग किस तरह से बांधी हुई है वो आप देख सकते हैं। तो ये हमारे वासु के श्रृंगार हैं। और अब हम आते हैं अपने कान्हा और किशोरी की तरफ। तो ये देखिए, हमारे कान्हा ने भी पग लगाई हुई है जयपुरी, और हमारी किशोरी का श्रृंगार। तो ड्रेस की वीडियो मैं आपके साथ कल ही शेयर कर चुकी हूँ रात में। और अब फाइनली हम अपने युगल सरकार के दर्शन करते हैं। तो इस ड्रेस में इतने सुंदर लगेंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बहुत ही गजब का जो है उनका श्रृंगार हुआ है। और ये देखिए, हमारी राधा रानी के चेहरे की चमक, वाओ कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए हमारे कृष्णा जी भी, बहुत ही सुंदर जो है उनका श्रृंगार है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने उनका जो है श्रृंगार किया है। और आप देख भी रहे होंगे कि आज मैंने उन्हें सामने मंदिर में विराजमान किया हुआ है, मतलब सामने वाले स्पेस जो है उसमें। और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सभी भगवान को मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। यहाँ क्या है कि ये खुले खुले सब बैठ गए हैं, क्योंकि ऊपर का भी स्पेस मिल गया भगवान को विराजमान करने के लिए। तो वो जो मंदिर में थोड़ी सी घिचपिच रहती थी वो नहीं है, और सभी प्रॉपर वे में खुले खुले बैठे हुए हैं। और उनका आपको श्रृंगार तो मैंने इस बार नहीं किया है, आपको फाइनल दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ भी डेकोरेट किया है। तो मैंने उनके वस्त्र अभी नहीं बदले हैं, मैं नवरात्रि पर बदलूँगी। और पूरा दिन ये सोचिए कि मुझे 8 जो बजे हैं ये पूरा मंदिर साफ़ करने में और सारी डेकोरेशन करने में सारा मुझे पूरा दिन लग गया है, सुबह से लेकर के, और रात हो चुकी है। तो अब मुझे बाकी भगवान के कपड़े चेंज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही है, और अब मुझे खाना बनाना है। तो बाकी का आपको श्रृंगार कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और होली खेलने की वीडियो आपके साथ में कल शेयर होगी। तो राधा किशन तो हमारे आज तैयार हो चुके हैं होली के लिए। और अभी मैं आपको गोपू के भी दर्शन करा देती हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको पूरा मंदिर का व्यू? अब हम आ गए अपने गोपू सोना के पास। ये देखिए गोपू की पोशाक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और गोपू बाबू की भी बहुत, मतलब ये पग, मैं कल मार्केट गई थी तो मुझे मिल गई, तो मैं ले आई और बहुत ही सुंदर ये पग लग रही है। क्योंकि होली की पर्पज से है, मल्टी कलर है, तो इसलिए मैं ले आई। और ये हमारे गोपू के दर्शन हैं। कैसे लगे आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।